हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन के कारण हम अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम आजकल ऑनलाइन करने लगे हैं, चाहे जॉब हो या स्टडी। और हम अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए जैसे ही अपने कंप्यूटर को मोबाइल के नेटपैक से कनेक्ट करते हैं, तुरंत ही विंडोज अपडेट के कारण हमारा सारा नेटपैक फिनिश हो जाता है, तो हम अपने इम्पोर्टेंट काम को नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये ट्रिक सिखाने के लिए आया हूँ कि कैसे हम विंडोज अपडेट को अपने विश के अकॉर्डिंग रोकें और हम अपना इम्पोर्टेंट काम कर लें, और जब हम चाहें तो हम विंडोज अपडेट कर भी पाए। तो अगर आप इस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हम लोग अपने वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने विंडोज को अपडेट को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका है डिसेबल विंडोज अपडेट सर्विस। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करें और वहां पे टाइप करें services.msc और उसके बाद में आप एंटर प्रेस कर दें। तो इसके अंदर में एकदम नीचे आप चले जाइए यहां पर, और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट, और इस पे आप डबल क्लिक करें। तो जब आप यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर स्टार्टअप टाइप में मैनुअल लिखा हुआ है। और अगर आप विंडोज को टेम्प्रोरी रोकना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि अभी वो रन करे और आपका नेटपैक को फिनिश कर दे, तो आप यहां पे जाके डिसेबल कर दे, और डिसेबल करने के बाद आप यहां पे अप्लाई करके ओके कर दे। तो देखिए यहाँ पे विंडोज अपडेट में यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ है। अब जब तक ये आप काम करेंगे, अब आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 अपडेट नहीं होगा और आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं बिना किसी फिकर के। तो ये काम आप टेम्प्रोरी रोक सकते हैं। तो जब जब आपको लगता है कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और आप अभी विंडोज अपडेट ना हो जाए, तो ये प्रोसेस करने के बाद अब आप इसे मिनिमाइज करके आप अपना इम्पोर्टेंट काम को कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला तरीका। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका है डिसेबल सिक्योरिटी अपडेट का, और आप इसमें कम से कम 30 दिन तक आप अपने अपडेट को रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आई बटन दबाएं, ये सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर देगा, और यहां पे जाके आप अपडेट एंड सिक्योरिटी पे डबल क्लिक करें। और इसके अंदर में जब आप पहुंच जाएंगे तो देखिए यहां पर एक एडवांस ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप डबल क्लिक कर दें। और यहां देखिए पाउज अपडेट है, आप कितना तारीख तक आप अपना विंडोज का अपडेट रोकना चाहते हैं, तो यहां पे आप सेलेक्ट करके अब आप यहां पे जो डेट है जितना तारीख तक आप रोकना चाहते हैं आप वहां पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैक्सिमम 35 डेज तक का आप अपना अपडेट को यहां पे रोक सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है, एटलीस्ट आप 35 दिन तक आप बेफिक्र होकर आप अपने कंप्यूटर का कोई भी इंपॉर्टेंट काम को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूं डिसेबल अपडेट्स कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे ये यूजर जरूर ध्यान रखें आप लोग, ये विंडोज 10 प्रो में काम करेगा, विंडोज 10 होम में नहीं काम करेगा। तो इसमें ग्रुप पॉलिसी एडिटर की मदद से आप अपने विंडोज को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्लिक करें सर्च में जाके, और आप यहां पे जीपी एडिट ग्रुप पॉलिसी एडिटर को टाइप करें। तो यहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा gpedit.msc और यहां पर आप एंटर प्रेस कर दें। तो देखिए ये आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें, इसको मैक्सिमाइज कर ले। तो यहां देखिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, वहां पर आपको विंडोज कंपोनेंट में जाना है, और उसके अंदर में जाके आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जाके देखिए कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करें। और अगर आप अपने विंडोज को डिसेबल करना चाहते हैं अपडेट को, तो यहाँ पे डिसेबल ऑप्शन कर दें और उसके बाद अप्लाई ओके कर दें। और अगर आप दोबारा से इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नॉट कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके आप इस विंडोज अपडेट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस तरह से मैंने अपना जो अपडेट है वो पूरी तरह से मैंने यहाँ पर आपको डिसेबल कर दिया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 को अपडेट को रोक सकते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूंगा कि जब आपका इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप अपने विंडोज 10 को अपडेट भी करते रहें, क्योंकि ये आपके विंडोज 10 के सिक्योरिटी फीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी महीने में 10 दिन 15 दिन में एक बार आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करें, ताकि नए सेफ एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में आपका कंप्यूटर सही तरीके से रन करे। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और न्यू व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।